मैं चुनाव अच्छा और स्पेशल प्रधानमंत्री मोदी साहब ने नहीं मांगी था मेरे मोदी साहब जेरे मेरे साथी जोड़ के हाथ जोड़ के तुसा ने चरणा च प्रणाम करना तुसा की मैं कोटि कोटि नमन ये प्यार जोड़ा है तुसा दिता है ये जेरी इज्जत तुसा ने बख्शी है साथियों का कैंडिडेट है जनता इसीलिए ये जन सैलाब तो मोदी जी की रैली में दिखाई देता है। मोदी जी की रैली में ऐसा जन सैलाब राम माधव जी कुशारा की जनता का ये पैगाम हाथ जोड़कर उनको पहुंचाना कि नौशहरा की जनता पलकें बिछाए आपके स्वागत आपके वेलकम आपके इस्तकबाल के का इंतजार कर रही है। यह नौशहरा की 1,25,000 जनता की ओर से हिंदू मुसलमान सिख ईसाई गुज्जर बकरवाल हमारी जाट बरादरी हमारी दलित एससी कम्युनिटी के भाई बहन हमारे राजपूत कम्युनिटी हमारी विशिष्ट राजपूत कम्युनिटी सब पलकें बिछाए अपने प्रधानमंत्री मोदी साहब का वेलकम करने का इंतजार कर रहे हैं। और हम आपको यकीन देते हैं कि जिस दिन मोदी साहब नौशहरा की सरजमी पर आएंगे जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री की सबसे बड़ी रैली उस दिन नौशहरा के अंदर। मेरे साथियों जब 2014 में आपने मुझे एमएलए बनाया सबसे पहला काम जो मैंने किया नौशहरा के डिग्री कॉलेज की बिल्डिंग ये रविंदर रैना ने बनवाई है। डिग्री कॉलेज नौशहरा की बिल्डिंग यहां नौशहरा डिग्री कॉलेज में बीजेपी के उम्मीदवार के नाते नॉमिनेशन आज फाइल किए हैं और नॉमिनेशन से पहले जो यहाँ पर जलसा हुआ उसी से साबित हो गया कि इस चुनाव में हमारे रविंद्र रैना जी की बड़ी जीत होने वाली है और पूरे राज्य में इस समय जो मोदी सरकार के 10 साल के कामकाज और मोदी जी की जम्मू कश्मीर के लिए जो की गई जो काम है उसके आधार पर बड़ी सफलता जम्मू क्षेत्र में भाजपा को मिलने वाली है। हमारा पूरा उम्मीद है कि राज्य में सबसे बड़े दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी उभरेगी। हमारा घाटी में भी 20 उम्मीदवार चुनाव में है, जम्मू में लगभग सभी सीटों पर हमारा नहीं